बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यक नाबुदु व यक नस्तईन। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल IGM ब्लॉग। आज हाजिर हो गई हम एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो काफ़ी दिन से जो है ना मैं वीडियो नहीं था बना पा रहा, क्योंकि मैं बिजी था यार अपने दूसरे काम में। उसको भी साथ ले कर चल रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा जो है ना साइड वर्क है। ठीक है, वो मैं जो है ना पहले उसको मैं करता हूँ, तो इसके लिए जो है ना मुझे टाइम ही नहीं बचता है। तो इसके लिए आज जो है ना मुझे हफ्ता इतवार उसकी छुट्टी होती है, तो इसीलिए आज जो है ना मुझे टाइम मिला, तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो बनाई जाए और आप लोगों से वीडियो शेयर की जाए। तो आज जो है ना मैं आपको दिखाऊंगा कि जो है ना हमने अपने टाउन में ना गांव जैसा माहौल बनाया हुआ है। ठीक है, तो जो हमने फसल लगाई हुई थी वो जो है ना रेडी हो रही है, तो मैं सारा आपको विज़िट कराता हूँ। अपने घर के बाहर का लॉन भी हमने क्या क्या लगाया होगा उसके अंदर, और आप लोग भी लगा सकते हो, और उसका अच्छा खासा फ़ायदा भी होता है। ठीक है, ये हमारा टाउन है, दिखाता हूँ आपको, ये देख लें। ठीक है, ये हमारा टाउन है, ये कंस्ट्रक्शन काम चल रहा हुआ है, चला हुआ है, हो रहा है। तो मैं आपको साथ जो है ना दिखाता हूँ कि हमने ये क्या क्या लगाया हुआ है। ये सबसे पहले देखें जी, हमने लगाया हुआ है इधर लहसुन। ठीक है, ये लहसुन के पौधे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना अच्छी खासी फसल हो जाती है इसकी जो है ना। हमने टाउन में वैसे इजाज़त तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये सामने जो है ना खाली प्लाट पड़े हुए थे, तो भाई गांव के बंदे हैं तो फिर गांव जैसे काम तो करेंगे ना जिधर भी जाएंगे। ठीक है, हमसे बाज़ार से तो हर चीज़ मिलती है, लेकिन यार जो अपने हाथ से लगा के बंदा खाता है ना, तोड़ता है उसको साफ पानी से उसकी पैदावार करके। ठीक है, तो उसका यार अपना ही मजा है। ये ना लगी हुई हैं मूलियाँ। ठीक है, और उसके बाद ये लगा हुआ है जी हरा धनिया। ठीक है, चेक करो कितना फ्रेश है। एक दफ़ा जो है ना हमने इसको तोड़ के तो दोबारा जो है ना हुआ है। ठीक है, सारे गली वाले लेके जाते हैं। तो उसके बाद जो है ना ये है जी पालक, और साथ में ये मेथरे, ये पालक है सामने देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। साफ पानी से जो है ना हम इसको तैयार करते हैं। ठीक है, और ये लहसुन देख लो, एक दो तीन, और ये साढ़े तीन क्यारियाँ हमने लगाई हुई हैं। और फिर उसके बाद जी बारी आती है जी हमारे, ये देखिए जी मोंगरे। ठीक है, और कुछ नहीं ना, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, ये देखो मोंगरे लगे हुए हैं इसके साथ ना, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। हफ्ते में जो ना एक हंडी जो है ना अपनी ये जो मोंगरे वगैरह लगाए होते हैं ना उनकी हो जाती है, हमने लगाए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं ना, तो ये हफ्ते में ना एक घर की हंडी जो है ना ये हम अपने मोंगरों से बना सकते हैं। ये इतनी सी जगह पर जो मोंगरे लगे हुए हैं ना, साइड पर बाड़ ही लगी हुई है। ठीक है, तो ये जो है ना एक हंडी हो जाती है घर की, और उसके बाद ये महीना डेढ़ लगेगा और, तो ये जो है ना साथ हमारे इधर ये रेडी हो जाएगी, ये लहसुन रेडी हो जाएंगे। तो हम जो है ना लहसुन को फिर जब इसको निकाल लेंगे ज़मीन से, उखाड़ लेंगे, फिर धो के साफ करके जो है ना हम रखेंगे। तो ये टमाटो के पौधे हैं, ये इसके टमाटो तो नहीं लगे, लेकिन इसके ये छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये लगेंगे तो फिर आपको टमाटो भी दिखाएंगे जो दूसरी जगह पे मेरे घर के पास वाली जगह ना, ये देखो देखो यार कितनी प्यारी मेथी हुई हुई है। ठीक है, मेथी है या मेथरे हैं। ठीक है, इनकी भी काट के जब हंडी बनाओगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा यार खाने का। वो ये जो बाज़ार से मिलती हैं गंदे पानी में तैयार हुई होती हैं। ठीक है, तो ये घर की हैं। उसके बाद जो है ना मैं आपको ले कर चलता हूँ अपने ये जो है ना लॉन में। तो ये सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये इधर फूल वगैरह लगाए हुए हैं, इधर भी थोड़ा थोड़ा लहसुन लगाया हुआ है साफ। इधर बच्चे जो है ना सारा उखाड़ गए हैं, छोटे बच्चे मेरे, ठीक है ना, खुदा मोहम्मद ये कोई चीज़ नहीं होने देते हैं। बस ये थोड़ा सा उन्होंने छोड़ा हुआ है पुदीना, ये गुलाब के बूटे हैं, वो सामने लगा हुआ जी मौसमी का बूटा। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ,
सबसे मेन चीज़ ये देखो अमरूद माशाल्लाह। ये देखो यार मैं तकरीबन ना रोज़ एक आध अमरूद जाना दो तीन उतार के ना बच्चों को देता हूँ और वही खाते हैं ठीक है मज़े ले ले के। कितना प्यारा उसके बाद ये देखें ये जो है ना अमरूद चेक करता हूँ ये कच्चा है यार देखो किस तरह लगे हमें माशाल्लाह। ये अमरूद हैं सारे अंदर वाली साइड से जो ना मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो और ये देखो इधर एक पका हुआ अमरूद है था मैं दिखाता हूँ आपको साथ तोड़ के चेक कर रहा हूँ मैं तो पका हुआ मिल जाए लेकिन अभी कच्चे हैं ये उतारने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ ये साथ जो है ना लेमन लगे हुए हैं ये देखो ये हमने काफ़ी ज़्यादा जो है ना उतार लिए थे ठीक है तो आप ये थोड़े थोड़े रह गए हैं अंदर बिरले टामे जिनको कहते हैं ये देखो रस की वजह से फटा हुआ यार ऐसा लेमन नहीं मिलेगा आपको बाजार से ठीक है ना बड़े कमाल के हैं ये। गर्मियों में लीमू पानी बनाने का जो मज़ा आता है ना ये तो हम काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं हमने उतार के जो है ना इनका अचार भी डाला था ठीक है तो ये गर्मियों में फिर फल देगा तो फिर मज़ा आएगा जो है ना। उसके बाद ये जगह सारी तीन पौधे हमने लगाए हुए हैं इधर अमरूद के ठीक है दो लेमन के हैं तीन ये वाला भी खाली हो गया होगा ठीक है इसके ऊपर भी अब कुछ नहीं बचा होगा सब उतार लिए मैं तो बस ये अब अमरूद ढूंढ रहा हूँ कि अच्छा सा अमरूद मुझे मिल जाए। ये भी यार कच्चा है अभी नहीं पका हुआ ठीक है। उसके बाद जी ये देखो माशाल्लाह ये देखो गुलाब का फूल यार अभी ये थोड़ा सा मौसम खुले ना ये मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि मेरे जो है ना लॉन में जो हमने पौधे लगाए हैं मैंने ऊपर गुलाब के फूल किस तरह के लगते हैं तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल ठीक है यार भाई को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें ठीक है ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँ। तो कल बनाएंगे अब देखते हैं किस पे व्लॉग कल जो है ना व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कल मेरी दूसरी छुट्टी है और संडे की छुट्टी हम साथ इंजॉय करेंगे तो साथ बनाएंगे व्लॉग ठीक है तब तक के लिए इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़।